another day in this beautiful city. यार ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक एक दिन जा रहा है ना, मुझे इतना बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि और दिन रुकना है. एंड हम इतने मतलब वो हो रहे हैं ना, ये करें कि ये भी करना है, बिकॉज वी डोंट वांट टू मिस एनीथिंग. बहुत प्यारी जगह है. कैसा लग रहा है तुमको? वर्ड्स में कैसे बताऊंगा, वीडियोस में आप देखो समझ में आ जाएगा. बट हम वीडियोस भी इतने नहीं बना पा रहे, बिकॉज इधर ऐसा लग रहा है बस देखते जाओ चीजें, घूमो फिरो. शॉपिंग भी इतनी मजेदार है, जो आपने मेरे कल के ब्लॉग में देखा ही होगा. ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बार बार आना पड़ेगा. सस्ते से अच्छा है, चीजें बहुत अच्छी यूनिक और आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ऐसी ऐसी चीजें हैं. हम जापान अभी आई थिंक रेगुलरली आने का सोचेंगे. इट्स बिकम वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज. टोक्यो, क्योटो, अभी ओसाका जाना है, एक्सप्लोर करना बाकी भी है. कोबे, ये सब क्या क्या नाम लिया अभी. अभी तो ओसाका भी बाकी है, तो ओसाका में भी मजा आने वाला है. मुझे लग रहा है ओसाका ज्यादा अच्छा होगा क्योटो से. नहीं मतलब क्योटो इज वेरी डिफरेंट. ओसाका सिटी, तुम्हें क्या वाइब पसंद है? क्योंकि मैंने सुना ओसाका में दोनों वाइब्स है, क्योटो का भी है, टोक्यो का भी है. वो तो हाँ, कैसल वैसल, और ओसाका में यूनिवर्सल भी है जिसमें हम जा रहे हैं. तो अभी हम जा रहे हैं फाइनली, जो वन ऑफ माय बकेट लिस्ट थिंग्स थी, किमोनो पहनना और घूमना. कल कितनी प्यारी लग रही थी सब लड़कियां, हेयर स्टाइल बांध के और किमोनो पहने थे. चप्पल भी पहनने वाले, वो चप्पल भी पहनना है, वो सॉक्स में चप्पल, वो लोग सॉक्स भी देगी जिसमें उंगली होती है, उंगली का होता है ना सेक्शन. नहीं लगी तो लगी. तो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा ये क्योटो का आइकॉनिक टेंपल है, आइकॉनिक टेंपल का गेट है ये, वही वाला है. एंड हम अभी तक किमोनो की स्टोर ढूंढ रहे हैं, बाहर जाके देखते हैं कि कोई अच्छा कलेक्शन मिल रहा है. हम थोड़ी महंगी दुकान में आ गए क्योंकि हम एंड टू एंड तो कुछ नहीं मिल रहा था. थोड़ी महंगी है तो ज्यादा नहीं है, 500,000 का फर्क है. बट आई थिंक या तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, ये वाला सिलेक्ट किया है, हमने काफी देखा चीजें. ये वाला महंगा है, ये वाला है फॉर 15,000 प्लस टैक्स. तो ये हमें और 10% टैक्स लगा के मिलने वाला है, जो थोड़ा महंगा है. बट अवेज को थोड़ा चाहिए था कि वो थोड़ा ग्रैंड ग्रैंड हुए, तो नो वरीज, एक बार पहनना है ना. गाइस तुम लोग ही बताओ. नहीं ये ब्लैक वाला, हाँ ये अलग है, ब्लैक वाला सुल्तान आउट हो चुका है. ब्लैक कलर, वाओ, ब्लैक कलर, वाओ. अभी बेल्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, इट विल लुक गुड. यस, इफ टू हार्ड कैन नॉट मेक अ ग्रेट. आई वांट लाइक दिस. ये देखो गाइस, अगर ये हार्ड लेते हैं ना तो उसमें ऐसे ही बना सकते हैं, बट मुझे ऐसा फूल चाहिए बड़ा सा. आई एम सिलेक्टिंग because I want to rush. कौन सा bag guys? I think I'll go with this one because this is nice. It'll look like this. Yes, here. So guys, अब मैं इसमें से क्या select करूँ? मुझे सब इतने अच्छे लग रहे हैं. ये लोग कितने अच्छे से बनाते हैं. Free hairstyle. कुछ का option hairstyle. बहुत अच्छे से बनाया, मैं आपको पीछे से दिखाऊंगी प्रॉपरली, बट सो 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 प्रिटी. मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ एक बार. आई थिंक नहीं दिख रहा है, सुदर्शन आपको पूरा पीछे से प्रॉपरली दिखाएगा एक बार बन जाएगा तो. बट मैं लाइव देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है ये लोग का एक है टेक्निक, उससे इतना प्यारा दिखता है. हेलो, कितना मस्त लग रहा है, लग रही हूँ कि नहीं जैपनीज डॉल. चलो नगमा का रिएक्शन लेते हैं. तो अब मैं चेंज करने ऊपर जा रही हूँ. तो अभी उन्होंने सॉक्स दिया है खासकर ताकि हम स्लीपर्स पहन सके जापानीज. जो मैंने बैग सिलेक्ट किया है, एक्चुअली सारा मेरा जो आउटफिट सिलेक्ट किया वो इसमें है, और बोला है कि बैग में अपना सारा पासपोर्ट और सामान इसमें डाल दो क्योंकि आप यहाँ पे अपना सामान छोड़ के नहीं जा सकते. तो मैं इसमें अपना बैग का सब सामान है वो इसमें शिफ्ट करने वाली हूँ अभी. तो उन्होंने अभी मुझे ये बेसिक एक थर्मल टाइप दिया है इनर, अभी इसके ऊपर हम किमोनो पहनने वाले हैं. तो मैं आपको मिलती हूँ किमोनो पहनने के बाद. ओके, ये किमोनो के अंदर पहनते हैं, बट यही कितना प्रिटी लग रहा है. तो अभी इसके ऊपर हम हमारा किमोनो पहनने वाले हैं. इन्होंने ऐसा कुछ बांधा है मेरी वेस्ट पर, ऐसा उन्होंने कम से कम 4-5 बार बांधा है अंदर लेयर्स पर. आई थिंक इट्स टू होल्ड द किमोनो इन प्लेस टिल द इवनिंग, वरना ये लूज हो जाएगा तो खुल जाएगा पूरा. बट जो भी है, आई एम फीलिंग सो प्रिटी, इतना रॉयल रीगल वाला फीलिंग आ रहा है. ये है बेल्ट, ये मेरा बेल्ट नहीं है, ये जो इन प्लेस रखने के लिए कोई बेल्ट होता होगा इसके ऊपर मेरा वाला बेल्ट आएगा जो मैंने गोल्डन वाला सिलेक्ट किया है. वाओ, आई लव दिस.
इतना प्रिटी लग रहा है, इतना प्रिटी। और ये भी उन्होंने एक धागे से बनाया, ऐसा फ्लावर बना हुआ नहीं था। कितना आर्ट है हर चीज में, इट्स कमेंडेबल गाइज, सो एस्थेटिक, सो प्रिटी। ये थोड़ा बेल्ट एक्सपेंसिव आता है, ये 700 rupees और देना पड़ता है, बट हम अगर इतना दूर आ ही गए तो थोड़ा मैंने सोचा क्यों नहीं। बट आपको इसमें चीपर ऑप्शंस भी मिलते हैं, तो ये मत सोचो कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। आपको ऐसा 2000 में आपको फुल डे का सूट मिल जाएगा, ताकि आप जाके शूट कर सकें। एंड आई थिंक यहाँ आए हो तो इतना तो आप कर ही सकते हो। यहाँ पे सारे स्लीपर ऑप्शंस हैं। सो अभी हम अवेस का रिएक्शन लेते हैं, लेट्स गो अवेस। मैं हेयर एक्सेसरी सिलेक्ट करके फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। मैंने ये हमने लिया है क्योंकि अवेज ने बेसिक वाइट लिया है, मैं सोचा थोड़ा कलर चाहिए ना, और मेरा ट्रांजिशन का अम्ब्रेला वाला है, तो मुझे स्किन अम्ब्रेला चाहिए था। थैंक यू, थैंक यू। सो अभी हम लोग जा रहे हैं फुशिमा इनारी टेम्पल, वहाँ पे हम जल्दी जल्दी रैप अप करके वहाँ से हम बैम्बू फॉरेस्ट जाने का ट्राई करेंगे। ट्राई नहीं करेंगे, जाएंगे। बट हमारा मेन जो है एम वो टेम्पल के पास अच्छे अच्छे किमोनो में पिक्चर्स, बस फटाफट निकल जाएंगे। फिर वहाँ से बैम्बू ट्री कितना दूर है? 45 minutes। सब लोग यहाँ पे मुझे देख के कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कवाई कवाई कह रहे हैं, जिसका मतलब होता है क्यूट, तो मुझे अच्छा लग रहा है ऐसा। ज़्यादातर जो यहाँ के लोकल्स हैं वो लोग बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है कि हमने किमोनो पहना है और हम अच्छे लग रहे हैं। मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। और ये देखो समुराई जैक, समुराई जैक मुझे बहुत पसंद था। तुम समुराई जैक देखते थे? क्या तुम देखता? हाँ, झूठ बोला ना? नहीं। समुराई जैक बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा था, मेरे को पता है। हाँ बोलने का गाइस हमेशा झूठा। कमेंट करो और बताओ कौन कौन समुराई जैक देखता था। अभी हम लोग आए हैं फुशिमा इनारी टेम्पल में, तो ये टेम्पल गेट्स है, आप देख सकते हो मेरे पीछे कितने सारे गेट्स, और ये ऊपर तक जाते हैं। यहाँ पे ऊपर जाके उनका जो श्राइन है वो मेन टेम्पल है वहाँ पे, तो यहाँ से वो लोग बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के, और सारे सीढ़ियों पर ये गेट्स है, ये बहुत ही प्रिटी है। और इस पर कुछ कुछ लिखा है, आई थिंक इनका कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो लिखे हुए हैं। कामोगावा, तो देखो मतलब पता है क्या उसके मंदिर का नाम है ना? नहीं तो मंदिर का नाम नहीं है, बस लिखा है तो बोल दिया और खुश हो जाएगा इसे। तो तुझे डुओलिंगो की जरूरत है, डुओलिंगो ऐप डाउनलोड कर और सीख जा, ठीक है? तो अभी जस्ट फोटोज लेकर खत्म हुआ है। बहुत प्यारी जगह है ये, मैंने बहुत प्यारी जगह कितने बार बोला है पता है? 100 and 250 times। मैंने ट्रांजिशन भी बनाया है, इतना मजा आ रहा है ना गाइस, और सबको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कलर इतना उठ के है ना, क्योंकि आई थिंक यूजुअली लोग पेस्टल्स और लाइट कलर्स लेते हैं, बट हम हैं लाउड इंसान, हम लेंगे लाउड कलर। वैसे सच बताओ तो मेरा भी बहुत मन हो रहा था कि लाइलैक या बेबी ब्लू कलर पहनने का, बट आई थॉट ये जो ये सब एस्थेटिक्स है उसके साथ ये वाला फुल एकदम वाइब में जाएगा। और ये हेयर पीस इतना प्रिटी है, भाग भी नहीं हो रहा क्योंकि लेट हो रहा है, रश कर रहे हैं हम लोग, फॉक्स की वजह से पैर स्लिपर में स्लिप हो रहा है। स्लिपर तो स्लिप होने के लिए बनी है, मतलब स्लिपर का नाम स्लिपर क्यों है? कार से हमारा सब कुछ हो गया है, सो बाय बाय फुशिमा इनारी टेम्पल। हम अभी जा रहे हैं बैम्बू फॉरेस्ट, तो बहुत लेट हो चुका था, हम लोग थोड़ा रश कर रहे हैं बिकॉज वी डू नॉट वांट टू मिस इट, इट्स अ वेरी प्रिटी प्लेस। सो यस, मतलब ऐसा स्टूडियो जिबली की भी जो भी मूवीज है उसमें भी जैसा वाइब होता है, यू नो सब यहीं पर ऐसा लग रहा है शूट हुआ है। वाओ, पीसफुल, फाइनली पहुंच गए हैं बैम्बू फॉरेस्ट, एंड आई एम सो श्योर कि अंदर अंधेरा होने वाला है बिकॉज दोनों तरफ से बैम्बूज होने वाले हैं। दर्शन ने लाइट लाया है, हम लोग के पास भी एक लाइट है। लाइट्स तो होगी और ठंडी भी होगी, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बारिश हो रही है क्योंकि मेरे पास, वाह
इधर नहीं, डू नॉट एंटर, ये एग्जिट हो गया। तो सो ये सारे बैम्बूज है जो हम बैम्बूज बिल्डिंग बनाने के टाइम यूज़ होते हैं या काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, बैम्बू स्टिक्स या सो उसका झाड़ है। ये सबने देखा ही होगा, हमारे यहाँ भी आते हैं कि यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट है उसका, मतलब ये पूरा फॉरेस्ट है। यहाँ पे सेमेट्री है तो थोड़ा शांति से हम चले जाएंगे आगे। ये कब्रिस्तान है क्या? हाँ, अपने उधर भी था। ओ, क्या ठंडी लग रही है कि नहीं? ठंडी ठंडी बहुत लग रही है। तुझे इसने जैकेट पहना, तुझे ठंडी लग रही है कि नहीं? बहुत। तुझे तो नहीं लग रही होगी? नहीं लग रही, मुझे लग रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि हाथ खुले है ना और पॉकेट्स भी नहीं है हाथ छुपाने के लिए। आवाज सुन रहे हो? किसकी आवाज है ये कमेंट सेक्शन में बताओ। नाइस, अभी जो मुझे बोल रहे ब्यूटीफुल और तुम्हें बोल रहे वेरी नाइस। およそ 100m 先、右方向です。輝きました。今大阪湧いてます。大阪、阪神マーケット、ジャパンもベリーグッドです。ゾンビ、ポケモン、ピカチュウ、マリオ、いろいろイベントやってます。もしよければこれで大阪行くことできますよ。ありがとうございます。Customer, well, now in Osaka.Hanshin baseball is the best in Japan for the first time in 38 years. Osaka is buzzing right now. Osaka, Hanshin Market, Dotonbori, Shinsaibashi, and Universe Studio Japan is also very good. So, अभी हम लोग आ चुके हैं and हमारा अभी सारी चीजें निकाल रहे हैं, जो accessory है, belt है. Everyone was complimenting me. Oh, everyone was saying kawaii, kawaii. Yes, so cute. Kawaii. Okay, じゃあ、これは、これは、これはいくらですか?いくらですか?अभी हम लोग ने वेज खाना खाने आए थे, दाल मखनी राइस, तो हम लोग भी खाना खत्म करने वाले हैं। थोड़ा एडिटिंग चालू है, बहुत जल्द आपको देखने मिलेगा। ये हो देख लिया होगा अब तक ये रील। हाँ, तो अभी मैं आपको मिलूंगी डायरेक्ट कल, बिकॉज कल हम जा रहे हैं क्योटो से ओसाका। सो यस, टाटा बाय बाय। आज का दिन बहुत ही मज़ेदार था, मेरा सपना पूरा हो गया। सो यस।